छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और चुनाव के चलते आए दिन प्रदेश में केंद्रीय नेताओं के दौरे भी जारी हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या एक बार फिर राजधानी रायपुर पहुंचे हैं, जहां युवाओं के उत्पीड़न को लेकर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए और CGPSC घोटाले के मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने युवाओं के लिए लाठी खाई है और इसका प्रतिफल हमें छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से मिला है, क्योंकि कोर्ट ने इस पर अब स्टे लगा दिया है। इस प्रवास से पहले दो बार छत्तीसगढ़ आने का और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच में रहकर सीएम हाउस का घेराव करने का मौका हमें मिला था। इस बार हम सीएम हाउस के अंदर भारतीय जनता पार्टी को प्रस्थापित करने के लिए, प्रतिष्ठापित करने के लिए, संकल्प लेने के लिए हम यहां आए। पिछले दो बार भी हम युवाओं के जो आक्रोश है, विशेष रूप में CGPSC में जो घोटाला हुए थे, उस इश्यू को आगे उठाकर युवाओं को न्याय मांगने का काम युवा मोर्चा ने किया था और मुझे अत्यंत खुशी है, गर्व है कि जो इश्यू हमने उठाए थे, जिस प्रकार से न्याय का मांग हमने किए थे और युवाओं के लिए जिस प्रकार से अपने युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लाठी खाए थे, उसका प्रतिफल अभी अभी कोर्ट से, प्रदेश के हाईकोर्ट से भी हमको मिला है। मैं मानता हूं कि आने वाले दिन में देश के हर प्रदेश सरकार को, वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, कर्नाटका हो, हर सरकार को अपने PSC सिस्टम में रिफॉर्म्स ले आने के लिए एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी इस हाईकोर्ट के स्टे के जजमेंट से मिला है और मैं मानता हूं कि ये प्रदेश के सारी युवाओं का जीत है। आप सभी देख रहे थे सरमई टाइम्स, मैं था सिद्धांत त्रिपाठी। फॉर मोर अपडेट्स हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें।